अस्सलाम वालेकुम यार वाई टीम्स के साथ मैं हूँ आयशा। शाहरुख खान की इकलौती बेटी सुहाना खान अपनी मूवी द आर्टिस्ट को लेकर बनी हुई है खूब चर्चा में। शाहरुख खान दुनिया के रिचर्ड एक्टर में से एक हैं, इसीलिए इनके साथ साथ इनके बच्चे भी बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। बस इसी को देखते हुए आज की हमारी लाइफस्टाइल वीडियो है एसआरए की लाडली बेटी सुहाना खान पर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे जीती हैं सुहाना खान अपनी लाइफ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और अगर आपको सुहाना की मूवी द आर्चीज पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बायोग्राफी, सुहाना का जन्म 22 मई 2000 को मुंबई में हुआ था और 2023 के हिसाब से इनकी एज है 23 साल। बाकी अमीर बच्चों की तरह सुहाना खान ने भी अपनी स्कूलिंग मुंबई के एक बहुत महंगे स्कूल से की है, यानी कि धीरूभाई अंबानी स्कूल से। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सुहाना कॉलेज की पढ़ाई के लिए यूके चली गई और वहाँ एडलिंगी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। बाद में भी न्यूयॉर्क चली आई और वहाँ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस के बच्चे एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना प्रेफर करते हैं और इसीलिए इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ऐसा ही कुछ हुआ है सुहाना खान के साथ भी। न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई करते समय इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और आज ये पेशे से और मॉडल बन चुकी हैं। अब दोस्तों बात ही एक्टिंग से की है क्योंकि बचपन से ही इनका माइंड एक्टिंग को लेकर काफ़ी क्लियर था और अपने कॉलेज के दिनों में ही थिएटर और ड्रामास किया करती थी जिससे उनकी एक्टिंग स्किल्स और भी अच्छी होते गए। इसके बाद 2019 में इन्होंने एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म की जिसका नाम था द ग्रेट पार्ट ऑफ ब्लू। ये बहुत ही शॉर्ट मूवी थी जिसकी वजह से सुहाना की ये मूवी फेमस नहीं हो पाई, लेकिन बड़े पर्दे पर ये उनके पहली मूवी थी। जिसके बाद सुहाना ने 2022 में जोया अख्तर की मूवी द आर्चीज की ऑफर में मिली जिसे इन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और साथ इस मूवी में इन्होंने लीड रोल प्ले किया। और रिसेंटली ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है जिसे लोगों की और पर और से खूब प्यार मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल सुहाना ने अपने कैरियर में बस इतना ही काम किया है। आपको सुहाना की मूवी द आर्चीज कैसी लगी हम कमेंट करके जरूर बताइएगा और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फैमिली, वैसे तो आप सुहाना की पूरी फैमिली को जानते हैं लेकिन फिर भी आपको इनसे मिलवा देते हैं। इनके पिता बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं और इनकी माँ बॉलीवुड की जर्जर प्रोड्यूसर और डिजाइनर गौरी खान हैं। और इनके दो भाई भी हैं जिनके नाम है आर्यन और इब्राहिम। सुहाना के रिमाइंड बॉयफ्रेंड का नाम है अहान पांडे। हाउस, सुहाना के लग्जरी हाउस को तो कई लोगों ने देखा होगा लेकिन फिर भी हम आपको इसकी झलक दिखा देते हैं। सुहाना मुंबई के आलिशान घरों में से एक घर मन्नत में रहती हैं जिसकी नेम प्लेट तक डायमंड से लगाई गई है और इस घर में कई आलिशान रूम, सिनेमा हॉल, स्टडी गार्डन, कार पार्किंग की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और इस घर की कीमत है पूरे 200 करोड़ रुपए। इनकम एंड नेटवर्क, अब बात करते हैं सुहाना की इनकम और नेटवर्क के बारे में। एसआरए की बेटी होने की वजह से सुहाना अपने काम के लिए बहुत भारी रकम चार्ज करती हैं। ये पर मूवी 5 करोड़ फीस चार्ज करती हैं और इन्हें एसआरए की तरफ से भी बहुत भारी पॉकेट मनी मिलती है। और 2023 के हिसाब से इनकी नेटवर्क है 30 करोड़ रुपए। कार कलेक्शन, अंत में बात करते हैं सुहाना की कार कलेक्शन के बारे में। सुहाना के पास एक मर्सिडीज कार है जिसकी प्राइस है 99 लाख रुपीस। इसके अलावा इनके पास एक लैंड रोवर कार भी है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी एसआरए की लाडली बेटी सुहाना खान की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको सुहाना खान का लाइफस्टाइल कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप किस सेलिब्रिटी पर वीडियो चाहते हैं हमें ये भी बताइएगा। और अगर आप ऐसे एसआरए के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।